16 साल के बच्चे को बंधक बनाकर किया रेप, बाहर लॉक लगाकर भागा आरोपी। पुलिस ने रात को ही किया डिटेन, सख्त कार्यवाही को लेकर थाने पहुंची महिलाएं। निकटवर्ती विजयपुर कस्बे में 16 साल की नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। नाबालिग को सोमवार सुबह बंधक बनाया गया था, जिसका सबको शाम को पता लगा। उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई और रात को आरोपी को चित्तौड़गढ़ शहर से डिटेन कर लिया गया। वही मामले की सूचना पर गंगराज डिप्टी झाबरमल मौके पर पहुंचे। विजयपुर के व्यापारियों ने इच्छा से सभी दुकानें बंद रखकर आरोपी को सजा देने की मांग की। पुलिस ने जो जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार 16 साल की एक बच्ची सोमवार सुबह पास की दुकान पर पेन लेने गई। वहां से आते वक्त आरोपी देवेंद्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह ने उसका हाथ पकड़कर रुमाल से मुंह बांधकर उसे एक कमरे में ले जाया गया और वहां उसे बंधक बनाकर रखा गया। नाबालिग के साथ उसने पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसके बाद जब उसने उसका विरोध किया तो उसके सर पर कांच की बोतल फोड़ दी और उसके हाथ पर कपड़े बांधे गए और उसके कपड़े तक फाड़े गए। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे शराब पिलाने की कोशिश की। पुलिस ने किडनैपिंग, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत 8 धाराओं में मामला दर्ज किया है। नव भारत समाचार चित्तौड़गढ़ से गोपाल खटीक की खास रिपोर्ट।